यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहचाना जी इनको? ये तो बच्ची है ना हमारी बेचारी, वो जो इससे बड़ा मामला चल रहा है, बहुत तकलीफ में है ना ये शदीद। आपने वीडियो देखी होगी जी पूरी, इनका रोना चीखना चिल्लाना, इनकी फैमिली का किस तरह वीडियो बनाते हुए भी हमें वास्ते देना। उनको ऐसा लगता था कि हमसे शेयर करेंगे और ठीक हो जाएंगे, करना अल्लाह पाक ने था और अल्लाह पाक ही करते हैं। अब सर इन्होंने तस्वीर भेजी है मुझे इनकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही बच्ची है यार, माशाल्लाह बेहतरीन यार, बेहतरीन, क्या सुकून है यार। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है यार, अल्लाह का बहुत एहसान है यार, बहुत बेहतरीन यार, दिल खुश हो गया यार। लोग बहुत परेशान थे, लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे और ख़ासकर फीमेल से बहुत कमेंट्स किए थे इनके लिए, शुक्र है ताला। ये वही है जी यार, माशाल्लाह देखिए बच्ची सुकून में तो कितना नूरानी चेहरा हो रहा है, और तकलीफ की शिद्दत से यार बहुत तकलीफ थी यार, लोग बहुत परेशान हुए थे और लोगों ने बहुत दुआ की, खवातीन तो बहुत परेशान जी थी। जी मुझे याद है कमेंट्स में बहुत कमेंट्स आए, कई लोगों ने मैसेजेस पे कमेंट्स में खुसूसन इसकी तकलीफ को महसूस किया था। सही, और हम तक बड़े वो हो गए थे, हमने कहा था कि एक इमरजेंसी आ गई है जी, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई बचपन से इनके साथ मसाइल, अब सोचें बचपन से जब थे तो शिराज में क्या क्या नहीं किया होगा, सही, कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे डॉक्टर्स, देखने वाले लोग, मशवरे, सब चीज कहते हैं आपसे शेयर किया है, आपने जैसा कहा कोशिश की हमने वैसा करने की, इससे बात करने की प्यार मोहब्बत से, तो बेहतरी आना शुरू हो गई तबीयत में। अच्छा माशाल्लाह, राबिया नाम है इनका। अच्छा जबरदस्त, याद है राबिया? हाँ, नाम तो प्यारा, बेहतरी आना शुरू हो गई। और ये जो मुस्कुराहट है ना, ये पता नहीं कितने अरसे बाद देखी है उन्होंने। अच्छा, फैमिली उन्होंने, हाँ मतलब कि ये जो अब इस तरह सुकून, ये वही चांद पाई है जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊं, ये वही जगह है, वही चांद पाई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं जी, तो वही जगह है, वही घर है। और उनके बकौल जो इनके मामू थे, चाचा थे, जो भी थे, अली भाई शायद, उन्होंने भेजी है मुझे कि सर अब बहुत जो है ना बेहतरी आ गई है, तो मुबारक हो जी आपको जिनकी दुआओं से सब हुआ। मैं बार बार अर्ज कर देता हूँ, हमेशा कहा है कि जी हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए क्या करेंगे। फरमाते हैं गुमान के साथ मामलात होते हैं, जैसा आप गुमान रखते हैं, जैसा हम कहते हैं ना फलां डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, करना अल्लाह पाक में है। आपको जो गुमान है कि जी हमसे शेयर करेंगे, हमारे देखने वालों पे बात पहुंचेगी जी, प्यारों तक बात उन्होंने पहुंचानी, तो मैं भी जी पहुंचा देता हूं कि एक मसला कुछ दिनों पहले ही उठा था, लेकिन वो था बहुत ना इमरजेंसी में, जिस तरह की वीडियोस थी ना आपने, आप देख लीजिएगा वीडियो वो दोबारा, यही बच्ची राबिया सही, और जो बना रहे थे वीडियो इनकी वालदा भी बेचारी परेशान थी बहुत, और ये वास्ते दे रहे थे जी वीडियो में कि भाई जल्दी करो जल्दी करो कुछ करो जल्दी, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ ये है देखने वालों में मौजूद है प्यारे लोग, और ये समझ रहे हैं कि कोई अनगिनत वाकया अब जो आपके सामने आ रहा है, मैं काउंटिंग नहीं हो रही मुझसे अब सही, जो माशाल्लाह से बेहतर हो गए ठीक, शुक्र अल्लाह। कोई 7 साल से परेशानी में था, किसी के साथ 2-4 साल से मसले थे, कोई बचपन से था, कोई 4 साल से था, अरसलान भाई जी जी, कोई और भी थे, तो उन्हें ये लगा जी हमसे शेयर करेंगे ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको तसल्ली दे देता हूँ कि आप लोगों में से ही दुआ, एक इज्तिमाई दुआ जब होती है, जब मिल के अल्लाह पाक से जब रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए पत्ता नहीं हिलता रब की मर्जी के बगैर, लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि हमें देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा अल्लाह पाक, हमें देखकर वो हो रहा है, बेशक आप जो करते हैं बेहतर करते हैं, तो शिफा दे दीजिए, ठीक कर दीजिए, हम हमारे घर में भी बच्चे हैं, रिश्तेदारों में भी हैं, तो फिर वो जब इज्तमाही होती है ना, तो फिर अल्लाह पाक जो है ना वो कर देते हैं, किसकी दुआ से, सही हैं देखने वालों में ही, बेशक प्यारों में हैं। इसीलिए मुझे याद है वो मेरे दोस्त के वाले साहब आए अलेन से, वो कहते हैं नमाज क्या यार, अल्लाह पाक को जमा होना पसंद है हमारा, इज्तमा, हाँ
बड़े वो है भी ना कि बड़ी मस्जिद में या बड़ी जमात में मैदान में ज्यादा लोग हज में जी ज्यादा लोग जमा होते हैं ना, वो पसंद है सही जमा होना एक तरफ। तो माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के शायद महीना भी नहीं हुआ होगा जी, 2 वीक्स शायद, दो हफ्ते शायद, शुक्र लगा 2 हफ्ते। ये तो मैंने फिर लेट आपसे शेयर किया, ये मेरे पास 4-5 दिन पहले आ गया जी, था जी। मैंने कहा चले मौका मिले तो फिर शेयर करें आपसे। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये आपके सामने है, मुबारक हो आपको, मुबारक हो मुझे, मुबारक हो हम सबको, और अल्लाह पाक बरकरार रखें। देखिए थोड़ा सा ना समझने की कोशिश किया कीजिए कि अगला कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या वो नेगेटिव तो नहीं है? सही। क्या वो गुनाह तो नहीं है? बस इसका ख्याल करें, बाकी कर दे यार। हमारे घरों में होता नहीं कोई बच्चा बीमार हो जाता है, उसकी फरमाइशें पूरी करते हैं, बूझ लेना होता है। हाँ, उनकी एनर्जी को बूस्ट करना होगा। क्या खाओगे, क्या खिलौना लोगे, क्या चाहिए बताओ, फला फला। तो वो थोड़ा सा हवा ना बनाए, परेशान ना हो। इधर ये मसला था कि एक नहीं दो बकौल मखलूकात थी इनके साथ, एक एंटी था, एक पॉजिटिव था, एक कह रहा था मजार शरीफ जाना है, दूसरा कहीं और जाने की बात कर रहा था। सही। एक ही तो माने आप, सही क्या हुआ आपके सामने? सही, ठीक हो गए माशाल्लाह, ठीक हो गए। तो ये लोग लेके गए मजार शरीफ के, इन्होंने बताया मेरे ख्याल से, चलने दे माशाल्लाह, तो बरकत मिली ना मेरे ख्याल से। बस पॉजिटिव का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह फरमाते हैं बी पॉजिटिव बी विद अल्लाह। ये जी आपके सामने है, दोबारा देख लीजिएगा इनकी पहले की वीडियो और अब की तस्वीर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम। जाते जाते मैं बार बार अर्ज कर दूं, हमने कुछ नहीं किया ना हम कुछ कर सकते, हमने कुछ नहीं किया, अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।